हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी चिटफंड कंपनी के पीड़ित निवेशकों का हमारे स्टे न्यूज़ चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की ये लेटेस्ट न्यूज़ रविश कुमार की तरफ से आई, एक सभी उन निवेशकों के लिए जो निवेशक धरने प्रदर्शनों से एतराज़ करते हैं, धरने प्रदर्शनों पर उंगलियां उठाते हैं, धरने प्रदर्शनों को बुरा कहते हैं। आज उनके लिए दोस्तों एक इतने बड़े जिया दोस्तों न्यूज़ देने वाले ने आप लोगों के लिए एक संदेश दिया है। दोस्तों ये संदेश आपके लिए हमारा पहुंचाना बहुत ज़रूरी था, तो दोस्तों हम ये संदेश आपको सुनाते हैं कि रविश कुमार ने आप सभी धरना प्रदर्शन करने वालों के लिए क्या संदेश दिया है। दोस्तों चलिए बताते हैं कि देश भर के चल रहे धरना प्रदर्शनों को आप देखते होंगे, लोकतांत्रिक की तस्वीर देखेगी। कई बार हम प्रदर्शनों की विपक्षी दलों के हिसाब से देखते हैं, जो लोग विपक्ष को खोज रहे हैं उन्हें इन प्रदर्शनों में जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि विपक्ष के नेताओं के बगैर भी प्रदर्शन होते हैं। लोगों ने विपक्ष का रास्ता देखना ही बंद कर दिया है। इसे इस तरह से भी देखिए कि एक ज़माना था जब कोई नेता बनने के लिए प्रदर्शनों में जुड़ता था, इस्तेमाल करता था, मगर अब वो भी बंद हो गया है। लेकिन प्रदर्शन बंद नहीं हुए हैं, ज़्यादातर प्रदर्शनों का नतीजा भले ही ज़ीरो हो लेकिन सब अपने प्रदर्शनों के लिए अपनी तरफ से एक नंबर छोड़ जाते हैं और यह सिलसिला चलता रहता है। 2018 में रेलवे भर्ती बोर्ड के ग्रुप डी की परीक्षा में जिन विकलांगों का हुआ है वो इस अपनी शिकायतों को लेकर दिल्ली मंडी हाउस आए, जहां पर विकलांग व्यक्तियों के लिए आयुक्त का कार्यालय है। यहां इसलिए आए क्योंकि यही इन छात्रों ने शिकायत की है, रेलवे उनके सवालों का जवाब नहीं दिया है। बुधवार को यह रेलवे को अपना पक्ष रखना था मगर रेलवे की तरफ से कोई नहीं आया। छात्रों का यह समूह आयुक्त के दफ्तर से बाहर जमा हो गया, नारे लगने लगे, इंसाफ मांगने लगे, कोई नहीं आया। लेकिन ये किसी के भरोसे नहीं, अपने इरादों के भरोसे दिल्ली आए हैं। मामला यह है कि रेलवे में जब ग्रुप डी बी रिजल्ट निकला तो विकलांग श्रेणी में प्रदर्शनों में शामिल छात्र पास हो गए। रिजल्ट में उनका नाम था और कहा गया कि आप सभी दस्तावेजों की जाँच होगी। जाहिर है कि पास होने की खुशी में किसी न किसी नहीं होगी पास होने की खुशी किसी ने नहीं होगी। ये छात्र डॉक्यूमेंट बनवाने में जुट गए लेकिन कुछ दिनों बाद रेलवे इस परीक्षा की सीट बढ़ा दी। दोस्तों न्यूज़ भले ही ये रेलवे के लिए है लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ये दर्शाया है कि धरना प्रदर्शनों को आप देखें तो लोकतांत्रिक की तस्वीर आपको दिखेगी। कई बार हम प्रदर्शनों को विपक्षी दलों के हिसाब से देखते हैं, जो लोग विपक्ष को खोज रहे हैं उन्हें यह प्रदर्शनों में जाना चाहिए ताकि पता चल सके कि विपक्ष के नेताओं के बगैर भी प्रदर्शन होते हैं। लोगों ने विपक्ष का रास्ता देखना ही बंद कर दिया है। इस तरह से ही से भी देखिए, एक ज़माना था जब कोई नेता उनके लिए प्रदर्शनों से जुड़ता था, लेकिन दोस्तों आज ऐसा ज़माना नहीं है। ये रविश कुमार जी की हेडिंग बिल्कुल सही है, इन्होंने बिल्कुल ठीक फरमाया, क्योंकि हम देखते हैं कि पल्स निवेशकों के धरने लाखों की संख्या में दिल्ली जंतर मंतर पर किए जाते हैं लेकिन कोई भी पार्टी का बड़ा नेता उनके पास तक नहीं भटकता। ऐसा लगता है जैसे सभी नेता अपने अपने स्वार्थों के लिए ही पब्लिक का इस्तेमाल करते हैं, पब्लिक के दुख दर्द में कोई साथ नहीं देता। ये इन नेताओं की जहाँ दोस्तों ये नेताओं की एक अपने स्वार्थ सिद्ध करने वाले कार्य हैं। तो दोस्तों सभी निवेशक भाइयों इस बात से जागरूक रहें और मजबूत रहें कि हमें किसी नेता के साथ की ज़रूरत नहीं है। हम खुद अपने हक की लड़ाई खुद लड़ना जानते हैं और निरंतर लड़ रहे हैं। दोस्तों तो आपको ये न्यूज़ कैसी लगती है दोस्तों, हमारे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएँ। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।